शिल्पी नहीं रहा देखो, शिल्प अमर है आज भी। शिल्पी नहीं रहा देखो, शिल्प अमर है आज भी। नहीं रहता कलाकार, रह जाती उसकी कला पीढ़ी दर पीढ़ी। चैतन्य वाहिनी है पूर्वजों की संस्कृति की पुस्तक है ये। शिल्पी नहीं रहा देखो, शिल्प अमर है। पूर्वज हमारे थे पहले कैसे, वेश भूषा से जता रहा है हृदय की बातों को। हाव भाव द्वारा बता रहा है। अति चतुर थे शिल्पी नहीं रहा देखो, शिल्प अमर है आज भी। बालक सड़ पर झपटा जब शेर, गुरु ने पुकारा सड़ शेर मार। सड़ ने शेर को मार गिराया, सड़मूल पुरुष है। बम्बले, किसी भी जीव की दर्द भरी आवाज हम नहीं सह सकते। वेदना भरे जीव को हम देख भी नहीं सकते। इस संसार में सब स्वतंत्र रहें, सुख संतोष से रहें, इसके लिए हम कितना भी कष्ट उठा सकते हैं। आपका दूसरा विवाह करने का निश्चय किया है। हमारे अनुबंधी मारसिंह मैया ने स्वयं जाकर पल्लवराज गोविंदक की पुत्री चिरंजीवी सौभाग्यवती बोम्मले से निश्चित किया है। महाराज, स्वीकार कीजिए इन्हें। राज माता की सफल हो आशा, राज माता की सफल हो आशा, राज महल की, राज महल की, कुछ नहीं तो प्यास, कुछ नहीं तो प्यास, वंश रचा।
दीदी, चोलों का क्या समाचार है? होयसल की सेना पूर्व में इकट्ठा हो चुकी है, ऐसा मैंने सुना है। युद्ध निश्चित है, मैंने सुना है। क्यों बहना, युद्ध शब्द सुनते ही तुम्हारे अंदर इतनी उमंग? मैं रक्तपात देखने की भूखी नहीं हूँ दीदी। वो मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सदैव महाराज का शत्रु के वार से रक्षण करती हो। हाँ दीदी, आप नृत्य से और लक्ष्मी दीदी संगीत से महाराज को आनंद की अनुभूति करा के स्वर्ग सुख देती हैं। वह पुण्य विधान मुझे नहीं मिल सकता, मैं तो केवल रक्षणा से ही तृप्ति पाती हूँ। महाराज की रक्षणा सारे पोयसल साम्राज्य की रक्षणा है बहन। क्या इस युद्ध में भी तुम महाराज के साथ जाना चाहती हो? हाँ? हाँ, आप दोनों की अनुमति मिली तो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अवसर देखकर मैं भी महाराज से इसके लिए निवेदन करूंगी। तो मेरी इच्छा पूरी हुई। प्रभु, युद्ध के विषय में क्या हुआ? ज्योतिषाचार्य ने अभी तक लगन नहीं निकाला। आचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं उनकी अंक गणना अभी पूरी नहीं हुई। उन्हें अपना पूरा समय लेने दीजिए। शांतला, अब तक हमारी सेना को पूर्वांचल में होना था। समय किसी के हाथ में नहीं रहता प्रभु। सच कह रहे हो शांतले, लेकिन बात क्या है? आप कुपित नहीं होंगे ना महाराज? गरजते कड़कते हुए बादल बिजली भी तुम्हारे सामने शांत हो जाते हैं शांतले, फिर मेरा क्या? मेरी विनती भी आचार्य की तरह युद्ध की समय को आगे बढ़ाने की है। इसीलिए ज्योतिषाचार्य कह रहे थे कि अभी कटक लग्न नहीं चल रही है। अच्छा हुआ, ये इच्छा केवल मेरी नहीं महाराज, पूरे साम्राज्य की है। साम्राज्य की? कैसी इच्छा? प्रभु, रानी पोमले के साथ आप गौतम क्षेत्र श्री रंगनाथ की सेवा में जाएं, ऐसा सभी चाहते हैं। युद्ध के पश्चात क्यों नहीं? शादी के साथ जाने का विधान है प्रभु। जैसी आपकी इच्छा। जिन्होंने यह अद्भुत प्रतिमा बनाई वह चामुंडा राय बहुत साहसी होंगे ना स्वामी? हाँ बोम्मले, उनकी भक्ति बहुत बड़ी थी। उन दिनों एक प्रख्यात राजा थे, उनको वैसे गंगराज मल्ला भी कहते हैं। बोम्मले, यदि देश का नियम सत्वशाली हो तो वो देश 4 दिन जी सकता है। नियमबद्ध जीवी गंगराज मल्ला की परंपरा 700 साल वैभव के साथ जीवित थी।
आज से 135 साल पहले उन्होंने गोमतेश्वर की इस प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया था। उनका सत्व कैसा था उसे बताने के लिए स्वयं कुकुटेश्वर विंध्यगिरी के शिखर पर खड़े होकर सारे संसार से युगों युगों तक कहते रहेंगे। देवी, इस धरती पर जितनी भी वीर भूमि है उससे अधिक जैन धर्म की मातृभूमि है। सारे भारतवर्ष के कोने कोने से सिद्ध मुनि कवि हमेशा ही यहां आकर बैठते हैं। इस धरती के एक एक कण में मनुष्य को सोना बना देने वाली पारस शक्ति है और इस धरती पर जीवित रहते हुए हर जीव ने इसे जीवंत बना दिया है और अब इसके रक्षण का पवित्र कर्तव्य आपके हाथों में है। स्वामी, आपके और दीदी के तप का पुण्य फल मेरे पेट में पल रहा है। आप दोनों की छाया में यह फूल खिलेगा। वह फूल आपका है स्वामी, उसे दीदी के हाथों में रखने की इच्छा है मेरी। उन्हीं के हाथों उसका पालन पोषण होगा। यह तो बहुत ही हर्ष और संतोष की बात है बोमले। स्वामी, मेरी इस इच्छा की जानकारी जब माताश्री को होगी तो उन्हें अपार खुशी होगी। अवश्य होगी। आइए हम चलें। महाराज को पुत्र पैदा हुआ है, महाराज को पुत्र पैदा हुआ है। भैसल वीरो, हमारी विजय यात्रा इस बार यहीं समाप्त होती है। सभी द्वारावती के लिए प्रस्थान करें। जो हमारे बंदी हैं उनके साथ भी अहिंसा का बर्ताव किया जाए, नहीं तो पटरानी और राजमाता को क्लेश होगा क्योंकि दोनों ही अहिंसा की प्रतिमूर्ति हैं। हमने शत्रु से भी द्वेष न रखने का वचन उन्हें दिया है। युद्ध के सारे नियमों का पालन किया जाए।
मेरे लाचा चिरंजीवी भव चंदा है महाराज को युवराज का प्रणाम। माताजी मैं आपका द्वितीय पुत्र हूँ, आशीर्वाद दीजिए। पोसल ध्वज को राज्य के चारों तरफ लहराओ बेटे। ये कौन सी बड़ी बात है माताश्री, आप दोनों की आशीर्वाद रहे तो स्वर्ग पर भी ध्वज लहरा देंगे। अपने भ्राताश्री को पहचाना? हाँ हाँ छोटी माँ, ये अपने प्रभु हैं। मैं अपनी महाराजा को सम्मान दे रहा हूँ, अपने छोटे भैया बल्लाल को नहीं। तुम्हारी बड़ी माँ के आदर्शों पर चलने वाला बल्लड़ा तुम्हारी इस बात को नहीं मानेगा। क्यों छोटी माँ? इस पीढ़ी के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, युवराज का पद तुम्हें मिलना धर्म है। इस धर्म का निर्णय करने वाले हम नहीं माताश्री, जनता है। अब ये बात क्यों बेटा यारे अंगा? जाओ विश्राम करो, सायकाल तुम्हारे साहस की कथा सुननी है, सुनाओगे ना तुम? जी माताश्री। आइए महाराज हम दोनों चले। बैठिए। आपको क्यों आना पड़ा? गांव के वाड़ेश्वर मंदिर के संबंध में आपसे विनती करने आया हूं। इतनी सी बात के लिए यहां तक आने का कष्ट क्यों किया आपने? हेगड़े से बात कर लेते। ये नहीं हो सकता। क्यों? एक सेना नायक के प्रभाव से हेगड़े भयभीत है मंत्री जी। खोल कर समझाइए ना। वाणेश्वर मंदिर की जगह में जैन मंदिर स्थापित करने की आज्ञा सेनापति पुनिसामैया देकर गए हैं। क्यों? 200 साल पहले वहां जैन बस्ती थी, उसके बारे में शिलालेख भी है। गंगों के शासनकाल के बाद चोल राजाओं ने वाणेश्वर को प्रतिष्ठित किया। हमारे गांव की जनता आज केवल वाणेश्वर की भक्त है। आगे कहिए। वाणेश्वर की जगह पर जैन देव को लाना गांव वाले नहीं चाहते। इस समस्या को सुलझाना इतना आसान नहीं है। सावधान सावधान, परहित सत्यभामा उद्वृत सवति गंधवारिणी पटरानी शांतला देवी पधार रही है। सावधान। आप लोग बैठ जाइए। बैठिए मंत्री जी। पूरब की सेना का कुछ समाचार? बुरी खबर तो नहीं है महारानी, पोइसल सेना हर रोज विजयोत्सव कर रही है। कुछ दर्द, हत्या? मस्तिष्क को तनाव मत दीजिए महारानी, ये सब राजकीय है, राजनीति से सारा कारोबार चलता है। समाज हित के लिए राजकीय उद्भव हुआ है, उसमें थोड़ा ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन बहुमत का कल्याण होना ही चाहिए। महारानी आप कानू केरे को जानती है ना? हाँ हाँ, उस सुंदर गांव को मैं कैसे भूल सकती हूँ। वहाँ क्या हुआ? वहाँ स्थापित वाणेश्वर मंदिर अब अस्थिर हो रहा है। क्यों? सेनापति पुनिसामैया की आज्ञा है। ओह, बहुत दिनों से वाणेश्वर की भक्त जनता इसको सहमति नहीं देती, उनका अहवाल लेकर गांव प्रमुख आए हैं। भय का कुछ कारण नहीं नागैया जी, पुनिसामैया जी राजकीय निष्ठावान सेवक हैं, लेकिन उनके इस निर्णय के औचित्य को उन्हें ही प्रमाणित करना होगा।
कानूकेरे देवालय से संबंधित शिलालेखों की प्रतिलिपियां और दस्तावेजों को अभी प्रस्तुत किया जाए, साथ साथ पुनि समय जी को भी बुलाया जाए। इन सज्जनों का कहना है कि आपने उनके जैन मंदिर पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण कहाँ महारानी जी, वो तो हम जैनों का है। कैसे? कानूकरे मंदिर पहले जैन बस्ती थी, इसके लिए सैकड़ों शिलालेख दिखा सकता हूँ महारानी जी। मुझे मालूम है कि आप शासन वाचक चक्रवर्ती हैं, सारे शिलालेख मैंने भी देख लिए हैं, आपका कहना सत्य है। फिर दोषारोपण मेरे ऊपर कैसे? पुनिसामैया जी, कानूकेरे में जैनों के घर कितने हैं? 3, उसमें फरियादी गौड़ का घर भी। और बचे हुए घर? हाँ, सारा गांव वाणेश्वर का भक्त कहलाता है। वाणेश्वर मंदिर को जैन बस्ती बनाने का आपका उद्देश्य क्या है? गंगवाड़े में वह एक ही बस्ती थी, उसके लिए। इस एक कारण के अतिरिक्त कुछ दूसरा है? माने? सारे गांव की आस्था को दबाकर केवल 3 घरों की इच्छा को प्रमुखता क्यों? सारे गांव की जनता वाणेश्वर मंदिर को दूसरी जगह स्थापित क्यों नहीं करती? यही प्रश्न गांव वाले आपसे पूछे तो? किस आधार पर पूछते हैं? पूछते हैं पुनिसमैया जी, पूछते हैं। बीते हुए 200 सालों से उन्होंने वहां शिव को आत्मसात कर लिया है, उस अंतःसत्व के आधार पर पूछते हैं। जनता के उपयोग विशालता की चिंता आपने नहीं की सेनापति जी। वहां बीते दिनों में वसधि थी, मात्र इस बात के लिए वहां वसधि ही हो आवश्यक नहीं। पुराने धर्म की आयु वहां उतनी ही थी, वो बीत गई, अब उसकी आवश्यकता वहां नहीं, ऐसा सारा गांव कहता है। फिर भी वहां बलात् जैन धर्म की स्थापना सभ्यता नहीं है। बीते दिन वापस लाने की इच्छा थी सेनापति जी। वहां वसधि से पूर्व एक बुद्ध विहार था, क्या वो बुद्ध विहार वहां फिर से? मुझे क्या आदेश है महारानी जी? उन्हें वहां वाणेश्वर की पूजा करने दें। आप जीवन पोषाद साधना करके पोयसल राज्य का सुभद्र किला बनिए। जैसा महारानी का आदेश।